अयोध्या के जमीन विवाद की सुनवाई के लिए बनी संवैधानिक पीठ अब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ सुलझ समझौते का रास्ता देख रही है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के पक्षकारों के बीच चल रहे जमीन विवाद में कोर्ट से बाहर मध्यस्थता की गुंजाइश को लेकर आज सुनवाई हुई। लंबी जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अयोध्या विवाद के तीन मुख्य पक्षकार हैं, जिनमें मध्यस्थता को लेकर सर्वसम्मति नहीं दिखी। सुन्नी वक्फ बोर्ड मध्यस्थता के लिए तैयार दिखा। निर्मोही अखाड़े ने भी मध्यस्थता के लिए सहमति दिखाई, लेकिन रामलला विराजमान ने मध्यस्थता की गुंजाइश से इनकार कर दिया। देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जब सुनवाई शुरू की तो कुछ हिंदू पक्षकारों ने सुलह सहमति के रास्ते हल निकालने की कोशिश को गैर जरूरी करार दिया। रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। कि समझौता हो नहीं सकता, इसलिए दो मरतबा पहले हो चुका है, लोग माने नहीं। आज भी जो है बहुत जो है पार्टियां बहुत हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम जो है कोर्ट का ही फैसला मानेंगे, समझौते की जो है गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट कहता है तो हम कोर्ट की बात के ऊपर सहमत हैं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन और पार्टियां हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये सिर्फ पक्षों का विवाद नहीं बल्कि दोनों तरफ करोड़ों लोग हैं जिनकी नजर इस केस पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अयोध्या का मामला ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि मध्यस्थता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षकारों की सहमति जरूरी नहीं है। सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़ा ने भी कहा कि मध्यस्थता के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन हिंदू महासभा ने कहा कि मध्यस्थता के लिए हम तैयार नहीं हैं। हिंदू महासभा के भगवान राम की जमीन को मध्यस्थता के लिए ना भेजने की मांग की। तो रामलला विराजमान की तरफ से भी कहा गया कि मध्यस्थता से मामले का हल नहीं निकल सकता। हिंदू महासभा ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि मध्यस्थता से कोई फायदा नहीं होगा और इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। हिंदू महासभा की इस दलील पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अभी से ये मान लेना ठीक नहीं है कि फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर पूछा कि विकल्प आजमाए बगैर मध्यस्थता को खारिज क्यों किया जा रहा है। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जरूरी है कि समझौता सबको मान्य हो। जब बाबर के बारे में हिंदू पक्षकारों ने दलील देना शुरू की तो जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि हम भी इतिहास जानते हैं, लेकिन बाबर ने जो किया उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतीत पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन बेहतर भविष्य का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्षों की बात सुने बगैर मध्यस्थता का आदेश नहीं दिया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा कि वो मध्यस्थता के लिए पैनल का नाम बताएं। पैनल का नाम देने की बात कहकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मध्यस्थता को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जहां भगवान रामलला विराजमान हैं, वो भगवान रामलला तो वहीं रहेंगे, वहीं मंदिर का निर्माण होगा। सवाल इतना ही है, केवल मंदिर हमारा वहां बने, बाकी आप मध्यस्थता करो। शेष जमीन पड़ी उसमें क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो उस पर तो कुछ विचार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुलह समझौते की सलाह दी थी, लेकिन तब भी बात नहीं बनी, जिसे आधार बनाकर हिंदू पक्षकार विरोध करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।